सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। हेलो, मैं हूं रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। HIV यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एक ऐसा विषाणु है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिनों दिन कमजोर कर देता है। भारत की बात करें तो यहाँ एड्स के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ सबसे ज्यादा HIV/AIDS के केस महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। HIV के बारे में सही जानकारी ना होने और सही तरीके से देखभाल ना करने की दशा में यह बीमारी बढ़कर एड्स का रूप धारण कर लेती है। एक सर्वे के अनुसार HIV के शुरुआती स्टेज में इसका पता ही नहीं चल पाता और व्यक्ति को इलाज करवाने में देर हो जाती है। इसलिए आपको HIV के शुरुआती 12 लक्षणों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं पता तो आइए जानते हैं कि आखिर ये 12 लक्षण होते क्या हैं। बार बार बुखार आना, हर 2-3 दिन में बुखार महसूस होना और कई बार तेजी से बुखार आना HIV का सबसे पहला लक्षण होता है। थकान होना, अगर आपने किसी प्रकार का भी भारी काम नहीं किया या फिर आप शारीरिक मेहनत का कोई काम नहीं करते फिर भी मांसपेशियों में हमेशा तनाव और अकड़न रहती है तो समझ जाइए कि ये HIV के एक लक्षणों में से एक है। जोड़ों में दर्द और सूजन भी HIV के लक्षण होते हैं। ढलती उम्र से पहले ही अगर आपके जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है तो आपको HIV टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। साथ ही अक्सर ऐसा होता है कि कम पानी पीने के वजह से गला पकने की शिकायत होने लगती है, लेकिन अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं और फिर भी आपके गले में भयंकर खराश और पकन महसूस हो तो यह लक्षण अच्छा नहीं है। सिर में हर समय हल्का हल्का दर्द रहना, सुबह के समय दर्द में आराम और दिन के बढ़ने के साथ दर्द में भी बढ़ोतरी HIV के सबसे बड़े लक्षणों में से एक हैं। धीरे धीरे वजन का कम होना भी HIV के लक्षण हैं। HIV में मरीज का वजन एकदम से कम नहीं घटता, हर दिन धीरे धीरे बॉडी के सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और वजन में कमी आती है। अगर पिछले 2 महीने में बिना प्रयास के आपके वजन में गिरावट आई है तो आप एक बार जरूर चेक करवा लें। स्किन पर रैशेज आना, शरीर में हल्के लाल रंग के चकते पड़ना या रैशेज होना भी HIV के लक्षण हैं। बिना वजह का तनाव होना, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी आपको तनाव हो जाता है, बात बात पर रोना आ जाता है तो निसंदेह आपको HIV की जांच कराना जरूरी है। साथ ही हर समय मतली आना या फिर खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी होना भी शरीर में HIV के वायरस का होना इंडिकेट करता है। हमेशा जुकाम रहना, मौसम आपके बेहद अनुकूल है लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी नाक बहती रहती है या हर समय छींक आती है तो आपको एक बार जरूर डॉक्टर से चेकअप करवाने की जरूरत है कि कहीं ये HIV के लक्षण तो नहीं। ड्राई कफ होना, अगर आपको कोई भयंकर खांसी नहीं हुई थी लेकिन हमेशा कफ आते रहता है, कफ में कोई ब्लड नहीं आता, मुंह का जायका खराब रहता है, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने शरीर में लगते हैं तो आप HIV टेस्ट ज़रूर करवाएं। HIV टेस्ट करवाने से घबराएं या शर्माएं नहीं, क्योंकि ये सवाल पूरे जीवन का है। इसलिए अगर इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आए तो बिना झिझके डॉक्टर से एक बार ज़रूर चेकअप करवाएं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।